चौथ भाज बने मरे कार हो रहा है इंडिया में बलात्कार होता है यहाँ लोग अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब उम्मीद है ठीक होंगे तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज हम जाएंगे परिजात के पास दो तीन दिन हो गए हैं वो हमें नहीं मिले क्योंकि शादी में बिजी हूँ अभी भी शादी है तो हम वहाँ जाके परिजात के साथ थोड़ा सा शूट है वो कंप्लीट करेंगे तो फिर शादी का व्लॉग बनाएंगे तो वीडियो देखें इंजॉय करें हम वहाँ जाके मिलते हैं गाँव चला गया हैं इब्राहिम गाँव चला गया ऐसे हैं बताओ इब्राहिम गाँव चला गया झूठे ये रहा बस यार बस बेवफा दी हसन भाई कहाँ थे यार इतने दिन हैं आए नहीं हो यार कमाल है शादी थी आपके यहाँ पे नहीं नहीं भाई कल तो मैं शादी पे गया था आज भी शादी है लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि ये दो दिन से तो ये गायब है पता नहीं कहाँ थे गाँव गाइस मेरा ना घर का जरा काम था वो एक मैं कर रहा था तो ख़त्म हो गया मैं पहले गाँव गया था तो अब मैं आया हूँ सारे काम ख़त्म करके तो आज हम लोग बनाएंगे व्लॉग यानी वीडियो अब हम पहुंच चुके हैं एहसान भाई के पास एहसान भाई ने मुझे कॉल की थी कि मुझे बुलाने के लिए आ जाना क्योंकि आपने एक गाना तो सुना होगा कच्चा बादाम पक्का बादाम तो आज हम यहाँ पे शूट करने के लिए आए हुए हैं ये देखें तो इंशाल्लाह कच्चा बादाम पक्का बादाम उम्मीद है कि ये दो दिन तक शूट हो जाएगी या तो फिर एक दिन तक उम्मीद है कि कल तक शूट कर लेंगे नहीं तो है ना भाई बता दो यार आप भी कुछ बोल दिया करो आप टिकटॉक में लगे रहते हो नहीं ये टिकटॉक पे फेमस है ना इसलिए नहीं मैं कीड़ा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है अब जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ऐसा बात तो गाइस हम ये बताने चाहते थे कि आज हम कच्चा बादाम और पक्का बादाम की वीडियो बनाने आए थे तो इब्राहिम भाई भी वो देखो वहां पे खड़े हैं हम सोच रहे हैं भाई शूटिंग कहाँ करें हम इस एक दो दिन लग जाएंगे हाँ एक दो दिन लगेंगे हम इस गार्डन में आए फिर एक दो गार्डन में पहले गए हमने कहा चलो यहाँ बनाते हैं क्योंकि ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये टिकटॉकरों का हाल ये होता है ये देखें शूट हो रहा है कच्चा बादाम का और ये कच्चा बादाम पक्का बादाम मुझे समझ नहीं आती ये सॉन्ग बनाया किस लिए गया बस समझ रहे हो आज हम आपको कच्चा बादाम और पक्का बादाम का डांस करके दिखाएंगे देखें आपने लड़कियों को देखा होगा हमारा नहीं देखा होगा लेकिन अब देख लें आपने देख लिया है मैंने आपको डांस करके दिखाया है बट और भी इसे भी अच्छा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की तो कच्चा बादाम पक्का बादाम है इंशाल्लाह जो फनी वीडियो होगी उसमें डांस कंप्लीट हो ही जाएगा फाइनली डांस करके दिखाएंगे वो भी हम तीनों करके दिखाएंगे चलो स्टार्ट हो जाओ गाइस मुझे नहीं आता भाई कर लो ऐसे चलो 1 2 3 स्टार्ट जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे कर रहे थे ऐसे कच्चा बादाम ऐसे करो कच्चा बादाम यार गाइस देख रहे हो मुझे तो आता नहीं आसमान मैं करके दिखाएंगे ऐसे करती है देख देख क्या आदत बन चुकी है मुझे जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आसन अरबाज तो आपने वो घर देखा जो कौन सा कच्चा बादाम पक्का बादाम तो तुमसे ना हो पाएगा ये हमारी शूटिंग की वो हो रही है एडिटिंग क्योंकि साथ साथ शूट भी करते रहते हैं और तो एडिटिंग भी ज़रूरी होती है ना फाल ये बहुत थक जाते हैं क्योंकि सुबह से ये पढ़ने के लिए जाते हैं फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से ये तो 2-3 बजे आते हैं फिर मैं नाजिल हो जाता हूँ जैसे फरिश्ता नाजिल हो जाता है तो इसी वजह से ना फिर ये ना भी नहीं करते आ भी जाते हैं तो फिर इसलिए गाइस चलो ये हमारे भाई खड़े हैं ये तो पूरा दिन सोया रहता है ये तो कहीं ना पढ़ने जाता है ना कुछ आराम का सारे मरे अरे कहना क्या चाहते हो या तो रुस गए हमसे रुस गए देखा आपने लापरवाही का नतीजा ये भी हमारी शूट थी कच्चा बादाम की ये देखें ये बलात्कार हो रहा है इंडिया में बलात्कार होता है यहाँ पर होता है तशद्दुद हो रहा है चौथ भाज बने मरे लेकिन तू बना मैं भी चौथ बच्चा गाइस आज मेरी इन्होंने कुत्ते वाली की है और कोई बात नहीं दोस्तों में ऐसा होता रहता है लेकिन इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए तो अब वीडियो देखें एंजॉय करें हम फाज भाई के घर जा रहे हैं फिर मिलते हैं शूट थोड़ी सी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन थोड़ी सी और पड़ी है फिर करके फिर कल या 2 दिन लगेंगे
फाइनली हम पहुंच चुके हैं फाज भाई के घर। आज वैसे बहुत मज़ा आया है कच्चा बादाम पक्का बादाम वाला सॉन्ग बना कर। आप ही ने बताओ ना, बताओ आप ही ने कितना मज़ा आया इब्राहिम भाई। बहुत सारा इन्होंने मेरे साथ कुत्ते वाली किया बस, बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि दोस्तों के बीच में ये होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ घर। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ठोकें और शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी है शादी के लिए तैयार होना है, मेहंदी है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।